हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये बांस है, लंबे लंबे बांस है। तो इसकी हम बनाने जा रहे हैं सीढ़ी। ये देख सकते हैं, ये पहले से सीढ़ी बनी हुई है और हम बनाने वाले हैं ये नई सीढ़ी। तो ये बांस आ चुका है, तो देख सकते हैं इसको यहाँ पर ला के इसे चढ़ने के काम में आता है ये। तो अभी हम दूसरा पीस बनाने जा रहे हैं इसका। तो चलिए देखते हैं कितने टाइम लगता है इसमें बनाने में और क्या क्या चीज़ें लगती है, सभी चीज़ें आपको बताएंगे हम। तो देख सकते हैं, हमने पहले ये बांस लिया है, इसको एक काट लिया है जो जमीन से यहाँ तक आ रहा है। एक छत बराबर हमको चाहिए पहले। अब हम इसको काट लिया है तो हम इसकी गिठान भी साफ़ करेंगे। तो देख सकते हैं, हमने इसकी गिठान को साफ़ कर लिया हमने एक तरफ, और इसका भी साफ़ करेंगे। उसके बाद हम इसको तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बांस को काट लिया है, अब जो गिठान है इसकी दोनों तरफ निकली उसको साफ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक बांस में मैंने छेद कर दिया है दोनों तरफ। ये देख सकते हैं, इसमें दोनों तरफ छेद हो चुका है। और फिर मुझे इस तरफ भी बांस इसमें भी छेद करना है। तो पहले इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर रखना है और सभी को मार्क करते हुए जाना है सभी का कि किसके सामने कौन सा छेद आएगा। उसके बाद हम दूसरे वाले बांस में भी छेद करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये पूरा मैंने छेद कर एक बांस में तो छेद कर दिया है, दोनों में देख सकते हैं आर पार हो चुका है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम दूसरे वाले बांस को भी छेदने जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, बांस की सीढ़ी बनाने के लिए इसको छेद करना पड़ता है, और छेद करने के लिए ये चौरसी चाहिए जिसे गांव में रुखान बोलते हैं, और ये 1.25 इंची लगभग साइज है, देख सकते हैं। इसी चीज़ से हमने इसको छेद किया हुआ है, देख सकते हैं ये आसानी इसके अंदर घुस जा रहा है। तो आगे भी हम इस 2-3 छेद करते हैं, वो हमारे वीडियो में देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, छेद करते समय सभी मार्क कर लें, बराबर हो तभी छेद करें, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा तो गिर जाएंगे आप। वो छेद करते समय ये जो धार है ऊपर वाली, इसको ऊपर रखें और इस तरफ घुमा दें। तो फ्रेंड देख सकते हैं, हमने छेद कर दिया है एक तरफ, अब इस तरफ भी हमको छेद करना है। तो पहले हम इस लाइन को पूरा छेद कर लेंगे, फिर उसके बाद इधर का छेद करेंगे। इस बार हमने छेद कर लिया है। तो देख सकते हैं, जैसा कि इस बांस में हमने किया है, कल्लू भाई बोलते हैं, इसको भी दिखा दो आप वीडियो में। फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये दूसरा वाला जो बांस है उसमें भी हमने पूरा छेद कर दिया वहां तक। तो देख सकते हैं, अब दूसरी तरफ भी हम छेद करने जा रहे हैं। तो ये रहा ये पॉइंट इसका, इसके सीधे पीछे वाला पकड़ो कल्लू। तो देख सकते हैं, वही हमारी चौरसी है 1.25 इंच की। छेद करते समय ध्यान दें कि आपके हाथ पैर में लगे ना।
देख सकते हैं मैंने इस तरफ से छेद कर दिया है। देख सकते हैं आसानी से इस तरफ से आर पार हो पा रहा है। तो इसे ही लगातार हमको पूरे छेद करना है। फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने पूरे छेद कर दिए, बस एक छेद बचा हुआ है लास्ट वाला, तो उसको मैं छेद करने जा रहा हूँ। तो देखते रहिए, ये लास्ट वाला भी छेद करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये लास्ट वाला भी हमने छेद कर दिया है। तो अब हम इसके जो डंडे होते हैं वो बनाएंगे। तो डंडे भी हम आपको बताएंगे कि कैसे बनता है। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये दोनों बांस में हमने छेद कर दिया है। अब सीढ़ी बनाने के लिए बांस की तैयार हो चुकी है। अब इसके जो डंडे हैं वो तैयार करना हमको। देख सकते हैं बराबर मिल रहा है ये। फ्रेंड्स सीढ़ी का जो डंडा होता है वो बनाने के लिए देख सकते हैं मैंने ये बांस को छील रखा है। तो कुछ पीसेस मैंने ये बना रखे हैं। टोटल छः छेद है, तो टोटल छः डंडे चाहिए अपने को। तो इसको भी मैंने इसको बना लिया है। अब इसके जो आगे की तरफ है इसको बराबर बराबर पतला करना है। तो मैं पतला करने जा रहा हूँ, तो देखते रहिए पतला करते समय दोनों तरफ से बराबर बराबर पतला करें। ये देख सकते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये नीचे का भाग है और एक के ऊपर वाला भी मैं कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये बहुत लंबा है, हमको इसको इतना काटना है। तो ये पीस हम देख सकते हैं ये बना हुआ है, इसके बराबर है ये। और लगाते समय ये चीज़ ऊपर रहेगी और ये भाग नीचे रहेगा। तो अब हम लगाने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारी सीढ़ी तैयार होने वाली है, छेद भी कंप्लीट है और ये डंडे भी हमने एक में लगा चुके हैं। अब इस वाले बांस में हमको लगाना है। तो देख सकते हैं इसको हम लगाने वाले हैं। तो लास्ट हमारे 70% जो काम हो चुका है, 30% बचा है, तो उसको कंप्लीट करने वाले। फ्रेंड्स देख सकते हैं लगभग हमारी सीढ़ी कंप्लीट हो चुकी है। चला।
सबका। तो फाइनली फ्रेंड्स देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट हो चुका है ये सीढ़ी। अब इसको एक सिरा हमको नीचे रखना है और ये देख सकते हैं हम इस पे पेड़ पे लगा दिए। आसानी से चढ़ पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।